हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेलकम करती हूँ गार्डनिंग इज माई हैप्पीनेस में। आज मैं आप लोगों को ये सब मेरा नया फ्लावर्स है लगा के दिखाऊंगी। मैं किस टाइप का सॉइल यूज़ करती हूँ और इन्हें कैसे लगाती हूँ उसका वीडियो आज मैं दिखाने वाली हूँ। ये मेरा नया फ्लावर्स है, कल ही मुझे मिला है, मेरे फ्रेंड ने मुझे कोलकाता से भेजा है। ये देखिए, इसे कहते हैं यूफोर्बिया फ्रेंकोइसी, ये फ्लावर का नाम है यूफोर्बिया फ्रेंकोइसी। ये भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट है और इंडोर प्लांट है। आज इसे मैं लगा के दिखाऊंगी। और ये है मेरा नया एग्लोनिमा, ये सब नया मेंबर्स है मेरे गार्डन में। ये है एग्लोनिमा बटरफ्लाई, देखिए, और इसे कहते हैं पेलियोनिया। पेलियोनिया इसका दो नाम है, ये हैंगिंग प्लांट है, इसका दो नाम है। इसे वाटरमेलन बिगोनिया भी कहते हैं क्योंकि इसका पत्ते देखिए छोटा छोटा वाटरमेलन जैसा दिखता है। तो ये मैं हैंगिंग पॉट में लगाऊंगी। एक मैं इसको मैं मेरा एग्लोनिमा को मैं यही वाला पॉट में लगाऊंगी और ये वाली यूफोर्बिया फ्रेंकोइसी ये मैं इसमें लगाऊंगी। और ये जो ये है पेलियोनिया, ये हैंगिंग, ये वाली हैंगिंग पॉट में मैं लगाऊंगी। तो अभी मैं आप लोगों को सॉइल रेडी करके दिखाती हूँ। देखिए, ये है सॉइल और कुछ खाद जिसमें मैं अपना इन फ्लावर्स के लिए यूज़ करने वाली हूँ। देखिए, ये यहाँ पे मैंने गार्डन सॉइल लिया हुआ है और ये रहा गोबर जो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स है, और ये है वर्मी कंपोस्ट और कुछ सैंड। सेंट भी देना ज़रूरी है ताकि यहाँ का जो मिट्टी है टाइट ना हो, थोड़ा लूज रहे ताकि पानी अच्छे से निकल सके। इसे इसलिए सेंट भी थोड़ा सा ऐड करना ज़रूरी होता है। अभी मैं इसे मिक्स करने वाली हूँ। अभी इसे मैं मिक्स करने वाली हूँ। मेरे पास अभी कोकोपीट अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा है, वही मैं मिलाने वाली हूँ। ये रही कोकोपीट। अभी मेरे सॉइल रेडी हो गया पौधा लगाने के लिए। अभी इसको मैं पॉट में डालने वाली हूँ और आज मैं स्पेशल पॉट यूज़ करने वाली हूँ। ये वाली पॉट मेरे क्लास 7 स्टूडेंट्स ने दिया है क्रिसमस गिफ्ट। देखिए, ये इन लोगों ने अपना नाम भी लिख के दिया है। ये है मेरे सारे स्टूडेंट्स का नाम। इन लोगों ने मुझे बहुत ही सुंदर सा, इन लोगों को पता है एक्चुअली मुझे फ्लावर्स पसंद है, तो क्रिसमस गिफ्ट में मुझे इन लोगों ने ये वाली बड़ा गमला दिया है। थैंक यू सो मच माय स्टूडेंट्स। अभी इसमें मैं लगाने वाली हूँ।
देखिए मैंने जो पॉट यूज़ किया है इसमें एक चीज़ मैं दिखाना भूल गई, इसमें होल है। देखिए यहाँ पे हर जगह पे मैंने होल बना के रखा है ताकि अच्छे से इससे पानी निकल आ सके। अभी मेरा सॉइल रेडी है पौधा लगाने के लिए। इसमें अभी मैं एग्लोनिमा बटरफ्लाई लगाने वाली हूँ। पूरा मैं गमला को मिट्टी से नहीं भरूंगी क्योंकि बाद में और भी अगर मुझे खाद या फिर कोई भी वर्मी कंपोस्ट देना ज़रूरी हो तो, ताकि मैं आगे से और भी इसमें गोबर या फिर कंपोस्ट दे सकूं, इसलिए थोड़ा खाली जगह छोड़ूंगी। तो ये रहा मेरा पौधा, ये वाली गमला रेडी हो गया मेरा। ये पौधा भी लगाए मैंने। अभी मैं दूसरा पौधा लगाने वाली हूँ। देखिए मेरी ये वाली गमले में भी होल है। ये ऑलरेडी यूज्ड पॉट है, मेरा पुराना पॉट है। इसमें दूसरा फ्लावर था, मैंने उसको निकाल कर, ये वाली फ्लावर था पहले, उसको निकाल कर मैं अभी ये वाला लगाने वाली हूँ। क्योंकि मुझे इस पौधा के लिए मुझे वाइट ही चाहिए था और मेरे पास दूसरा वाइट नहीं, तो उसको निकाल कर मैं इसमें मैं लगाने वाली हूँ। और देखिए नर्सरी से जो फ्लावर आते हैं, देखिए इसमें ये इसका मिट्टी यूँ ऐसे होता है, कोकोपीट से लगाते हैं लोग, लेकिन हमारे पास इतना कोकोपीट अवेलेबल नहीं है मेरे पास, और इसलिए मैंने जो आप लोगों को दिखाया है सॉइल रेडी करके, वही सॉइल से मैं इसको लगाने वाली हूँ। आप लोगों के पास अगर रिवर का सैन हो तो और भी अच्छा रहेगा, रिवर का सैन और भी अच्छा होता है। अभी इसमें मैं मेरे ये पौधा लगाने वाली हूँ। मुझे और थोड़ा होल करना पड़ेगा यहाँ से ताकि मेरा पौधा अच्छे से बैठे इसमें। तो ये देखिए मेरा यूफोर्बिया फ्रेंकोइसी भी रेडी हो गया, मैंने इसको अपना गमला में लगा दिया है। अभी मैं लगाऊंगी वाटरमेलन बिगोनिया वाला। इसका स्टेम एक्चुअली स्टेम से भी आप इसे कटिंग से भी आप इसे लगा सकते हो। देखिए इसका मैंने कटिंग करके लेके आया है, इसका मैं लगा रही हूँ अभी। ये हैंगिंग फ्लावर है इसलिए मैंने इसको हैंगिंग पॉट में लगाया। अभी मैं इसे पानी दे दूँगी। और याद रखिए जब भी हम पहली बार पौधा लगाते हैं, मतलब जब भी हम पौधा लगाते हैं पानी देना ज़रूरी होता है। उसके बाद जब तक मिट्टी मॉइस्चर रहता है तब तक पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब एकदम ड्राई हो जाता है तब दोबारा से इसमें पानी देना है। तो मेरा ये वाटरमेलन बिगोनिया भी रेडी हो गया है और मेरा यूफोर्बिया फ्रेंकोइसी भी रेडी हो गया है और मेरी एग्लोनिमा बटरफ्लाई भी रेडी हो गया है। इसे मैं अभी इसका परमानेंट जगह पे मैं फिक्स करूँगी। तो फ्रेंड्स आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप भी लगाइए अपने घर में, नया नया पौधा लेकर आइए और लगाइए। और इसमें अगर मेरा वीडियो में
कोई भी गलती हो तो मुझे सॉरी फॉर दैट, और कुछ भी इम्प्रूवमेंट वगैरह होना ज़रूरी है तो आप लोग मेरा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के दें। आज के लिए इतना ही, आप सभी को हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।